केंद्र एवं प्रदेश सरकार के निर्देश पर खंडवा जिले के मुंदीनगर में हाई सेकेंडरी स्कूल कैंपस में बने दो अतिरिक्त कक्ष में कोविड-19 के टीके लगाए जाने का अभियान जारी है। इस बीच वैक्सीनेशन सेंटर पर मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से टीका लगवाने के लिए आने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। वैक्सीनेशन रूम में पंखे की व्यवस्था नहीं है। वहीं वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे तक बाजू के हॉल में वैक्सीनेशन डोज लेने वालों को विश्राम दिया जा रहा है। यहां भी पंखों की व्यवस्था नहीं है। इससे बुजुर्ग एवं 45 साल के ऊपर की उम्र के बीमार लोगों को भारी असुविधा और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज गर्मी के अलावा तथा सेंटर पर पंखों की व्यवस्था नहीं होने से कई लोगों को बेचैनी हो रही है। पीने के पानी की व्यवस्था का अभाव भी बना हुआ है। इस लापरवाही को दूर करने की मांग उठ रही है। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह पटेल ने कहा कि इस लापरवाही को तत्काल दूर करना चाहिए। वहीं पूर्व मंडल अध्यक्ष ने भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बीएमओ को इसकी शिकायत की थी, पर उन्होंने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये सारी परेशानी बीएमओ की लापरवाही की वजह से हो रही है। वहीं बीएमओ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि अब कोविड टीकाकरण की व्यवस्था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंदी में रहेगी। यहाँ कूलर, पानी और सभी प्रकार की मूलभूत सुविधा उपलब्ध रहेगी। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन सेंटर में पानी व पंखे की व्यवस्था नहीं है। इससे पूर्व मंडल अध्यक्ष ने भी नाराजगी जाहिर की है कि मैंने बीएमओ को इसकी शिकायत की, पर बीएमओ ने इस पर ध्यान नहीं दिया। क्या बोलना चाहेंगे आप इस बारे में? उन्हें शिकायत नहीं करी थी, उन्हें सुझाव दिया था, जिसके हम मंडल अध्यक्ष से बात कर रहे हैं। उन्हें बोला था कि यहाँ पर नहीं करके मैं सीएमओ से बात करता हूँ और मांगलिक भवन में व्यवस्था करते हैं, बट उसके बाद भी नहीं हुई थी। उसके बाद उसी दिन हमने नगर पालिका से बात करी और पानी कैन भिजवाया था, और पानी के कैन भी वहाँ पर गया था। कल वो भूल चुक में उनके पास नहीं पूछा पानी कैंप, और आवश्यकता को देखते हुए हमने वहाँ से सत्र हटा के हॉस्पिटल में सत्र लगा दिया, जहाँ पानी कूलर सारी व्यवस्था मिल जाएगी। सर अब से कहाँ पे होगा टीकाकरण? अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंदी में ही होगा, हॉस्पिटल के अंदर। जी, आपका नाम? डॉक्टर आर के इंगला। आपने कोविड का टीका लगवाया जी, जिस भवन में, उस भवन में क्या क्या चीज़ की सुविधा नहीं है? वहाँ पर जहाँ कंप्यूटर वाला है वहाँ भी पंखा नहीं है, जहाँ नर्सें इंजेक्शन लगाती वहाँ पर भी नहीं है, और मरीज को कम से कम आधा घंटा आराम के लिए वहाँ जगह है वहाँ पर भी पंखा नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है। प्रशासन द्वारा तो इसकी अनुमति दी जाती है। हाँ, ये चल सब चीज़ की ये तो शासन, क्या बोलना चाहिए, शासन का महत्वपूर्ण ये मतलब टीकाकरण है, इसमें तो शासन ने पैसा भी अधिक दिया है, उसमें हर सुविधा होना चाहिए, परंतु ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये हॉस्पिटल वाले। आपके द्वारा किस संबंधित अधिकारी को सूचना दी? बीएमओ। उनके द्वारा क्या क्या आपको ये कि मतलब कमी हो गई है, हम इसका साधन व्यवस्था करते हैं। आपने लगवा लिया टीका? हाँ, लगवा लिए। कब लगवाने गए? शनिवार। फिर पुनः कल क्या हुआ कि कल फिर और मरीज जो थे वो गए, तो उन्हें लेके गए, बोले भैया वहाँ सुविधा कुछ नहीं है, और क्या है ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो उनको घबराहट होती है, वहाँ कम से कम पंखा हो, पानी हो, ये व्यवस्था होना चाहिए। लक्ष्मण सिंह पटेल, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष बूंदी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।